एक बहुत कड़वी बात कहने के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत कड़वी लगेगी। कल रात जगदीप साहब का निधन हो गया। जगदीप मशहूर कॉमेडी स्टार बॉलीवुड के, जिनको हम सब सुरमा भोपाली के नाम से भी जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े स्टार ने, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी, जो शोले में उनके साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने भी कोई पोस्ट नहीं किया। ये बात यहां समझना इसलिए जरूरी है कि जगदीप जी जैसे सीनियर कॉमेडी स्टार के निधन पर भी जब बॉलीवुड रिएक्ट ना करे, तब आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत पर? ये बॉलीवुड स्टार्स क्यों बोलेंगे? इनमें से किसी ने भी अभी तक सीबीआई जांच की मांग नहीं की है, कोई भी खुलकर सामने नहीं आया है। सामने कैसे लोग आ रहे हैं? शेखर सुमन जैसे लोग आ रहे हैं, मनोज वाजपेयी जैसे लोग आ रहे हैं, जो वाकई जेन्युइन लोग हैं, जो सो कॉल्ड स्टार कैटेगरी में नहीं आते हैं। मुझे बहुत सारे फोन्स आने शुरू हुए हैं कि तुम क्यों इतना खुलकर बोल रहे हो, क्यों इतनी बातें कर रहे हो। मतलब एक तबका है जो किसी तरह से इस पूरे मामले को दबाने की फिराक में। जितनी कद्र आप लोग कर रहे हैं ना सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनकी, अगर उतनी कद्र उनके जीते जी की जाती तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था। लेकिन हमें अभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि अब ये हो गया, अब हम अपने काम में लगते हैं। इनको अपनी फिल्म प्रमोट करने हैं, शोज प्रमोट करने हैं, कहीं कोई इंसानियत नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती। जिस तरीके का रेस्पॉन्स जगदीप जी के लिए मुझे सोशल मीडिया पर देखने को मिला, उससे एक बात तो साफ हो गई कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। सिर्फ बॉलीवुड फैंस ही हैं जो इस समय स्टार्स के बारे में सोच रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है, इतने सारे स्टार्स हैं, हमारे सो कॉल्ड हीरोज़ हैं बॉलीवुड में, अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं, इतने सारे खान, कपूर, चोपड़ा हैं, लेकिन किसी ने भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। सीबीआई जांच की मांग करना तो छोड़िए, ये लोग किसी भी तरीके का रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और ये बहुत अलार्मिंग बात है। अगर आप इसको अच्छे से नोट कर रहे हैं अपने दिमाग में, तो ध्यान रखिए कि ये किसी के नहीं है। और अगर ये किसी के नहीं है, तो आपको भी इनके साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मुझे जगदीप जी के लिए भी वाकई दुख हुआ। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड का इतना ठंडा रिएक्शन रहा है, मानो कुछ हुआ ही ना हो, ये बहुत ज़्यादा दुख देने वाली, हैरान करने वाली बात है, बहुत कड़वी बात है। मैं इस समय कुछ चीज़ों पर गौर कर रहा था, तो जो चीज़ें मेरे जहन में आई हैं मैं आपको बता दूं। एक तो जो जिस फ्लैट में वो रह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, उसके एग्रीमेंट में रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। और अगर वो दोनों का नाम है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अपने निधन से कुछ समय पहले उनको कहीं भेज दिया? और वो कहीं, कौन सा घर था, कहाँ वो रहने चली गई थी? और जब दोनों ने साथ में मिलकर वो फ्लैट लिया था, तो ऐसी क्या नौबत आ गई जो उनको जाने के लिए कहना पड़ा? एक तो ये बात है। एक चलते चलते एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं। आप लोग, बिहार के किसी कोर्ट में कोई केस दर्ज हुआ था और वो खारिज हो गया है। प्लीज़ इधर उधर की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। सबसे बड़ी बात है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होना, ये बात सामने आना कि इस रहस्यमय मौत के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस पर ध्यान दीजिए। कोर्ट केसेस क्या हो रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक जांच का पूरा पक्का रिजल्ट नहीं आ जाता, पूरी पक्की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ये मामला बहुत गंभीर बना रहेगा। फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखिए कि किसी को भी नहीं पड़ी है सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हो रहा है, खासकर आपके जो सो कॉल्ड फेवरेट बॉलीवुड हीरोज हैं, इनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा है। और जो लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत गिने चुने लोग बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली स्टारडम के पीछे नहीं भागते, जो बहुत रियल और जेन्युइन लोग हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके बोला कि तुम क्यों इतना बात कर रहे हो उनके बारे में। तो मतलब वो कहीं ना कहीं से एक मीडिया में भी एक ग्रुप तैयार हो रहा है, जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में है। और खासकर ये वो सारे लोग हैं जो स्टार्स के आगे पीछे भागते हैं। खैर,
ये सबका अपना अपना लुकआउट है कि उनको लाइफ कैसे जीनी है और किस किस तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बात यहाँ नहीं रुकनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। मेरे पास इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी फ़ोन्स और मैसेजेस आ रहे हैं, और इंडिया के बाहर जहाँ भी इंडियंस रहते हैं वहाँ भी वो लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो बहुत जल्दी कोशिश होगी कि मैं उन लोगों के साथ भी जुड़ूं और उन लोगों के साथ भी बात करूं। फिलहाल जाते जाते मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि ये जो आपके दिमाग में हीरोज की डेफिनेशन है ना, इसको बदल लीजिए। असली हीरो कौन है वो अब आपके सामने आ चुका है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप ज़्यादा खुद ही समझदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।